ये हमारी टेबल है कटिंग की, ये मास्टर जी हैं, मशीन है कटिंग की, ये इस पर फुटबॉल जर्सी इसकी कटिंग हो रही है। और हमारे पास ये कॉलर्स पड़े हैं टी शर्ट वगैरह के आइटम, हमारे पास स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स क्रिकेट जर्सी, फुटबॉल जर्सी, एथलेटिक्स की जर्सी। जो हमारे स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट थे पहले बिल्कुल भी स्पोर्ट्स पर कोई GST नहीं थी। उसके बाद लास्ट ईयर इन्होंने वेट किया, वेट लागू किया, वेट 5% कर दिया था, 4.5% 5%। उसके बाद से फिर GST लागू कर दी, जो कि कुछ आइटमों पे तो हमारे वेट भी नहीं था, स्पोर्ट्स पे वेट भी नहीं था, लेकिन वेट के साथ साथ 28% बैग पे कर दिया। अब क्या है, कुछ पे तो 5% है लेकिन बैग पे अब भी 18% है। 18% तक तो प्रॉफिट ही नहीं ले पाते हम, 10% 5% मुश्किल से प्रॉफिट आता, खर्चे काट के उसमें 18% कहाँ से दें। मतलब 50 वर्कर मेरे पास टोटल काम करते थे दोनों फर्म में, 50 में से भी अब ये मान लीजिए 10-12 वर्कर हैं, तो उसका भी काम जो है मुश्किल से होता है। ये 1 लकड़ी पहले 50 रुपये की आती थी, अब ये 80 रुपये की हो गई है। इसका मतलब पूरा खर्चा पहले 100 रुपये में आता था, तो 120-130 में बिक जाता था, अब इसका खर्चा 130 रुपये आ रहा है। कस्टमर पीछे से बढ़ाता नहीं है तो अब सेल ही नहीं हो पाता। इसकी लकड़ी भी मेरठ से मिलती है, इस पर 18% GST है और हम आगे जो लेते हैं 12% लेते हैं, इसमें भी हमारा ही नुकसान आता है। सर सबसे ज़्यादा तो यही नुकसान हुआ है कि कस्टमर नहीं है, पहले जो कस्टमर था वो अब नहीं है। मतलब अगर पहले अगर 10 लाख की सेल हो रही थी तो अब वो 2 लाख या 2.5 लाख पर सीमित हो गई है, और किसी किसी महीने 2 लाख भी नहीं हो पाती, उससे भी कम हो जाती है। फिर पहले क्या था, जो CA का था वो इतना चार्जेस नहीं था, अब हर महीने GST फिल करनी होती है, CA को 3-4 हज़ार रुपये देने होते हैं, तो जो कॉस्ट अब बढ़ गई है वो पहले नहीं थी। बैट महंगा हो चुका है, ख़रीदने वाला है नहीं। पहले हमें ऐसी पड़ती थी 80-90 रुपये की, और अब वही पर हमें 120 की, 150 की। 3-4 जगह हमें टैक्स देना पड़ता है, कहीं मैडम का देना पड़ता है, कहीं काय का देना पड़ता है, कहीं किसी मटेरियल जो मटेरियल है सब पर टैक्स देना पड़ता है, तो उसी हिसाब से 20-25 रुपये महंगा। GST की वजह से जी 50% लॉस हो रहा है हमें, और GST के अच्छा पहले अच्छा काम था, 12% टैक्स लगने पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब काम है ही नहीं बिल्कुल मार्केट में।